वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर को देख रहे थे, चलिए त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए कॉस सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एसी इक्वल टू 5, एबी इक्वल टू 3, बीसी इक्वल टू 4 दिया गया। चलिए यहाँ पर हम लोग एक राइट ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं, इस तरीके से राइट ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या दिया गया है, यदि बी समकोण पे है तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी आपका हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी डाटा गिवेन है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, दिया है एसी, एसी इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और एबी, एबी इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और बीसी, बीसी इक्वल टू दिया गया है 4 सेंटीमीटर। साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है हमको, साइन ए का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। साइन ए का वैल्यू मतलब यहाँ पर आपका थीटा बन रहा है, तो थीटा बनेगा तो ये आपका लंबा हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा भाई, क्लियर। तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना होता है भाई, लंबा बटे कर्ण होता है, तो लंबा कितना है भाई 4 है, 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना है 5, ये आंसर हो जाएगा। साइन ए के बाद ये करेंगे। कॉसी की वैल्यू बात करते हैं हम लोग, कॉसी की वैल्यू की बात करते हैं, तो वास्तव में कॉसी का वैल्यू क्या आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, वास्तव में कॉसी का वैल्यू किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग कॉसी का वैल्यू देखते हैं। तो कॉसी के लिए यहाँ पर आपका एंगल बनेगा इस तरीके से, कॉसी के लिए देखेंगे तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी हो गया। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, क्लियर। तो साइन ए के बेस में देखते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कॉसी के बेस पे देखते हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। तो साइन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, तो सी के यहाँ पर थीटा बनेगा, तो ये आपका लंबा हो जाएगा भाई, ये आपका आधार हो जाएगा भाई, ये तो कर्ण जैसे का वैसा रहेगा भाई, ये आपका 5 हो जाएगा, और लंबा का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 3, इसका मान है 4। कॉसी का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। एक और वैल्यू है टेन ए, टेन ए मतलब यही काम आएगा भाई, यही आएगा टेन ए, लंब बटे क्या होता है लंब बटे आधार, तो 4/3 ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए, कॉस सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू इतना। तो पहला हमको ज्ञात करना है इस तरीके से, राइट ट्राइंगल हमको क्रिएट करना है। ये भाई साहब ए है, ये बी है, ये सी है, एक और कर लेते हैं भाई 3 दिया गया है, तो ये भी ए है, ये है बी है, ये है सी है, एक और ज्ञात कर लेते हैं भाई, ये है ए है, ये है बी है, ये है सी है भाई। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ए बी का वैल्यू कितना है 12 है, ए सी का वैल्यू 13 है, और बी सी का वैल्यू 5 है। ए बी का 12 13 5 12 13 5। चलिए अब यहाँ पर पहला हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहला हमको साइन ए, साइन ए ज्ञात करना है तो थीटा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ज्ञात करना है कॉस सी तो थीटा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ज्ञात करना है टेन ए तो थीटा यहाँ पर बनेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग पहला ज्ञात करते हैं साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना होता है भाई, लंबा बटे कर्ण होता है, तो लंबा बटे कर्ण देखिए कौन हो जाएगा, बी सी के बटे कितना हो जाएगा भाई, ए सी हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू 5 है, ए सी का वैल्यू 13 है। दूसरा ज्ञात करना है हमको भाई कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना होता है भाई, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार का वैल्यू कितना है देखिए, आधार कितना हो जाएगा आपका, ये लंबा ये आधार, तो ये हो जाएगा बी सी बाय कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू कितना है भाई 5 है, और ए सी का वैल्यू 13 है। अगला ज्ञात करना है टेन ए, तो टेन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है देखिए, लंब है 5 है, और आधार कितना है 12 है, ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, जब हमारे पास दिया गया था ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको निकालना है इस तरीके से, 3 क्वेश्चन बना लो भाई, ये भाई ए है, ये बी है, ये सी है, फिर यहाँ पर बना लो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर यहाँ पर बना लो भाई, ए है, बी है, सी, आप लोग एक ही बना सकते हो, मैं समझाने के लिए 3 बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, ये 5 है, बी सी का 12 है, ये ए सी 13 है, ए सी 13 है, 12 है, ये 5 है, ये है 13 है, 12 है, ये है 5 है। यहाँ पर सी पर, यहाँ पर ए पर बनता है
ठीक है, यहाँ पर आपका सी पर बनता है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं साइन ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं, साइन ए और कॉस सी और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन ए का सूत्र होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब कितना है देख लो भाई, 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 12 बटे 13 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे 13। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, ये हो जाएगा 12 बटे 13। और कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। टेन ए का वैल्यू कितना होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है देख लो सामने में 12 है और आधार कितना है भाई आपका 5 है, ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बी सी इक्वल टू कितना है, तो फिर से राइट ट्राइंगल क्रिएट कीजिए, फर्स्ट टाइम नाउ सेकेंड टाइम नाउ थर्ड टाइम, ये हो जाएगा ए बी राइट एंगल सी, ये हो जाएगा ए बी राइट एंगल सी, ये हो जाएगा ए बी राइट एंगल, ये हो जाएगा सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 9, बी सी का वैल्यू 12, ए सी का वैल्यू 15, ए सी का वैल्यू 15 12 9 9 12 और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सॉरी ये है आपका 15, ये है आपका 12, यहाँ पर ए पर बनेगा, यहाँ पर सी पर बनेगा, यहाँ पर ए पर बनेगा। चलिए फार्मूला क्या होता है, साइन ए, ए मतलब ए पर कोण, सी मतलब सी पर कोण, ए मतलब ए पर कोण, तो कितना होता है इसका सूत्र, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है भाई 12 बटे 15। और कॉस सी, कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है भाई 12 बटे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 9, ये रहेगा आपका आंसर। इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड को, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड है 8.2। निम्नलिखित में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, टेन थीटा इक्वल टू दिया गया है, तो सॉल्व करके मेंशन कीजिए एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व, हमारे पास जो भी दिया गया है इस दिया गया है को लिखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 3/4, इसका सूत्र होता है भाई लंब बटे आधार होता है, इसका सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है, पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि हम लोग जानते हैं, इसके लिए आप लोग पाइथागोरस सर आप लोगों का मदद करेंगे भाई कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, हमारे पास तो लंब का वर्ग दिया गया है भाई 3 का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 16 9 हो जाता है 25, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण निकालेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है आपका 5, तो कर्ण आ गया 5। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में इस तरीके से हो जाएगा, ये इसको ए और बी और सी मान लेते हैं भाई, अगर बी सम कोण है और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, तो अब बाकी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लंब कितना हो गया, लंब है हमारे पास 3 है और आधार कितना है भाई, आधार है हमारे पास 4 है, इन तीनों का तो हम लोग निकाल लिए भाई। अब हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा तो दिया गया है हमारे पास, उसके बाद ज्ञात करेंगे कॉसेक थीटा, उसके बाद ज्ञात करेंगे सैक थीटा, उसके बाद ज्ञात करेंगे कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा का सूत्र होता है भाई लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, टेन थीटा का सूत्र आपको तो दिया गया भाई 3/4 है, उल्टा कर दो भाई, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/4, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 5/13, एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व मेंशन कीजिए, हमारे पास जो भी दिया गया है दिया गया डाटा कितना दिया गया है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/13 से इक्वल टू कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो हमको आधार निकाल है चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो चलिए कर्ण का वर्ग कितना दिया गया है 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, 169 में 25 को हटाएंगे तो 144 आ जाएगा आधार का वर्ग हो जाएगा, वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, 144 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो आधार आ गया 12। अब हमारे पास जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास प्राप्त है, अगर लंब 5 है, आधार आपका कितना है, आधार आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है, तो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा दिया गया है साइन थीटा, तो कॉस थीटा ज्ञात कर सकते हैं, टेन थीटा ज्ञात कर सकते हैं, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, चूंकि हमारे पास स्टार्टिंग में दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू 5/13 दिया गया, तो कॉसेक का हो जाएगा 13/5, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 12/13, तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई 13/12
देख पा रहा हूँ। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है 5/12, तो इसका हो जाएगा भाई 12/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कॉस एक कॉस अल्फा इक्वल टू दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व दिया है हमारे पास, कॉस अल्फा इक्वल टू दिया गया है 1/3। कॉस अल्फा का सूत्र होता है आपका आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। हमको लंब निकालना है, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दिया है 3 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमको ज्ञात करना है। आधार का वर्ग 1 का वर्ग हमारे पास दिया गया है, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। 3 का वर्ग 9 1 का हो जाएगा लंब का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 9 ऋण 1 बराबर 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग। वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, 8 का वर्गमूल हो जाता है भाई, तो लंब का वर्ग हो जाएगा 2 करणी 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8 का फैक्टर निकालते हैं इस तरीके से, तो 2 चौक 8 2 2 4 2 1 2 होता है, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो बाहर नहीं आता, तो लंबक वर्ग आ गया 2 करणी 2। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा है तो यहाँ पर साइन अल्फा निकाल सकते हैं, और यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कोसेक अल्फा, यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कॉस अल्फा, यहाँ पर सेक अल्फा, यहाँ पर निकाल सकते हैं टेन अल्फा, यहाँ पर निकाल सकते हैं कॉट अल्फा। इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा का सूत्र होता है भाई आप लोगों का लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 2 करणी 2 बटे कर्ण कितना है 3। कॉसेक अल्फा को उल्टा हो जाएगा 3/2 करणी 2। कॉस अल्फा का हमारे पास दिया गया है 1/3, तो ये हो जाएगा भाई 3/1। टेन अल्फा का होता है लंब बाय, तो 2 करणी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब बटे आप लोगों का होता है आधार, आधार का वैल्यू दिया गया है 1, और इसका हो जाएगा तो 1/2 √2 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व करते हैं एस ओ एल वी ई डॉट हमारे पास जो भी दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 1/1। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, तो कॉट थीटा लंब बटे क्या होता है आप लोगों का, लंब बटे आधार होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग निकालना है, तो हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर होता है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग हमारे पास निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग 1 का वर्ग 1 बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग हो जाएगा। कर्ण का वर्ग वर्ग हटता है तो क्या लगता है भाई, वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये कर्ण आ गया, लंब आपके पास 1 है, आधार भी कितना है भाई 1 है, और कर्ण कितना है आपके पास √2 है। तब आपको त्रिकोणमितीय शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तब के डेट पे आप लोगों के पास फर्स्ट होता है भाई साइन थीटा, नाउ सेकंड होता है कॉस थीटा, नाउ थर्ड होता है आप लोगों का टेन थीटा। बस इसका अपोजिट को लिखते जाइए भाई। साइन थीटा के लिए लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए होता है, कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 1/ होता है √2, ये भी हो जाएगा। साइन थीटा के लिए कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण, 1/√2 हो जाएगा। टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार होता है, तो 1/1 हो जाएगा। अब साइन का अपोजिट होता है भाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2/1। कॉस का अपोजिट होता है भाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा √2/1। और टेन थीटा का अपोजिट होता है भाई कॉट थीटा, इक्वल टू हो जाएगा 1/1 मींस 1 हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कॉसेक ए इक्वल टू होता है आप लोगों का 5/4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है, दिया है हमारे पास कॉसेक ए, कॉसेक ए का मतलब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो ए के पास बन रहा है, 5/4 हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे लंबा होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन का ये अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। इस तरीके से आपका राइट ट्राइंगल बना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी पर राइट ट्राइंगल बना है। और चूंकि कर्ण का मान कितना है 5 है, और लंब का मान यहाँ पर है बी है, तो कॉसेक ए है तो ए पर बनेगा, तो यहाँ पर लंब ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5। इसको हम लोग फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास मदद करने के लिए है, जिन्होंने एक थ्योरम दिया गया था जिसको हम लोग कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमारे पास दिया गया है 5 का वर्ग यहाँ पर दिया गया है, लंब का वर्ग हमारे पास 4 का वर्ग दिया गया है, आधार का वर्ग हमको निकालना है, क्योंकि प्लस माइनस में आता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है। 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16 बराबर आधार का वर्ग हो जाएगा। 25 में 16 जाएगा तो 9 आएगा, तो ये हो जाएगा आधार का वर्ग। वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, वह 9 का वर्गमूल होता है 3। आधार आ गया आपके पास 3 आ गया, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं भाई आधार आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं
अगर आपको कर्ण लंब आधार तीनों पता है तो आप सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के रूप में आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बेस पे हो जाएगा। तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में आप लोग जब भी बनाते हैं तो 90 डिग्री के बेस पे बनाएंगे, जिसमें आप लोगों का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रहेगा। कर्ण का वर्ग निकालना रहेगा तो कर्ण का वर्ग निकालना रहेगा तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग निकालना रहेगा तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग निकालना रहेगा तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। उसका तीनों आप लोगों का अपोजिट हो जाएगा। साइन का कॉसेक हो जाएगा, सेक का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास कर्ण 5 है, लंब 4 है, आधार 3 है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, कॉसेक ए है। तो यहाँ पर आप लोग साइन ए निकाल सकते हैं, साइन ए के बाद यहाँ पर आप लोग कॉसेक ए निकाल सकते हैं, उसके बाद आप लोग टेन ए निकाल सकते हैं, उसके बाद आप कॉट ए निकाल सकते हैं, उसके बाद सेक ए निकाल सकते हैं, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, कॉसे निकाल सकते हैं। साइन ए का वैल्यू कॉसेक ए का वैल्यू हमारे पास 5/4 दिया गया, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है 4/5। टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन ए का वैल्यू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5, जस्ट अपोजिट। सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए का वैल्यू कॉसे का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारे पास 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। ये शेष त्रिकोणमितीय अनुपात एक दिया गया है, तो 5 को अपने आप से निकालना है। साइन दिया है तो कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक निकालना है, कॉसेक दिया है तो कॉसेक को छोड़ करके बाकी सभी को निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक बीटा इक्वल टू 2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, SOLVE.SOLVE करते हैं। तो sec बीटा इक्वल टू दिया गया 2/1, तो sec बीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये cos का अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है भाई आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हमको निकालना पड़ेगा लंबा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण मीन्स 2 का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग हमको निकालना है, आधार का वर्ग 1 का वर्ग 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंबा का वर्ग 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पर 4 में 1 घटा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लंबा का वर्ग हो जाएगा 3। जब भी वर्ग हटता है भाई वर्गमूल लगता है तो √3 हो जाएगा, लंबा का वर्ग √3 हो जाएगा, तो लंबा का मान √3 आ गया और आधार का मान हमारे पास पहले से प्राप्त है। क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त क्वेश्चन है और कर्ण का वर्ग है हमारे पास 2 है। चलिए आधार लंबा और कर्ण तीनों अगर कंटेंट आपको प्राप्त है तो आप कहीं से भी कितना भी त्रिकोणमितीय शेष अनुपात आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सेक बीटा दिया गया है तो साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, कॉसेक बीटा कॉस बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक बीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन बीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट बीटा। चलिए साइन का होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण √3/2, तो ये जस्ट अपोजिट 2/√3। कॉस बीटा के क्या होता है आपका, कॉस बीटा 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टेन बीटा का फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार √3/1, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे जब आप लोगों को सेक बीटा के लिए दिया गया था, तो बाकी क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इक्वल टू √10 दिए गए, √10/1 कुछ नहीं है मतलब ये कितना हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/cosec थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो यहां पर कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आता तो बेसिक फंडामेंटल जो वीडियो नंबर 1 है पार्ट 1 है इस चीज को आप लोग देखिए, ये आप लोगों को कवर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग निकालते हैं हमारे पास कर्ण और लंब है भाई, आधार निकालते हैं। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसमें पाइथागोरस जितने हैं उन्होंने एक नियम दिया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमारे पास कर्ण √10 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लेंथ का है, हमारे पास परपेंडिकुलर का है, तो लंब का वर्ग तो प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। लंब का वर्ग दिया गया हमारे पास √10 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10-1 इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का बेस का स्क्वायर हो जाएगा 10-1 = 9, देन ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा आप लोगों का, √9 का स्क्वायर रूट होता है 3 हमारे पास आ गया, बेस के बेस पे आ गया हमारे पास √3 मींस 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस है हमारे पास √10। अगर ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाते हैं तो आप लोग किसी भी प्रकार के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो
आपका साइन ए के बेस पे हो, चाहे वह आपका कॉसेक ए के बेस पे हो, चाहे वह टेन ए के बेस पे हो, चाहे वह कॉट ए के बेस पे हो, चाहे वह सेक ए के बेस पे हो, चाहे वह कॉस ए के बेस पे हो। तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू दिया गया अंडर रूट टेन, तो यह हो जाएगा 1/√10। टेन ए का वैल्यू को देख लेते हैं भाई, टेन ए का वैल्यू होता है भाई 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा भाई 3/1। सेक ए का वैल्यू को देख लेते हैं, तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है आप लोगों का कर्ण बटे ये, तो अंडर रूट टेन बाय कितना हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 3/√10। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जब आपके पास कोसेक इक्वल टू अंडर रूट 10 के बेस पे दिया था। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको दिया गया था, आधार हमको नहीं दिया गया था, लंब दिया गया था, आधार का वर्ग निकालिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 21/20 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चूंकि यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू दिया गया है, एस ओ एल वी ई डॉट कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास दिया गया 21/20। चूंकि इसका फॉर्मूला होता है ये 10 का आप लोगों का अपोजिट होता है, 10 थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसका सूत्र होता है भाई आप लोगों का आधार बटे लंब। हमको ज्ञात करना है कर्ण का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 प्लस 21 स्क्वायर 441 इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर। देन स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो आपका क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा 841। देन स्क्वायर रूट आप लोगों का कर्ण के बेस पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 29, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 29। देन लेंथ आप लोगों का परपेंडिकुलर कितना है भाई 20, बेस कितना है भाई, बेस है आप लोगों का 29। अगर ये तीनों आपका वैल्यूज को फाइंड आउट है, तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस चीज़ को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यूज कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20/29 हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 21/29, ये भी हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 20/29 × 21/ कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू हो जाएगा 420/29² 841, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉस इक्वल टू 4/5 तो कॉट ए माइनस साइन ए बाय 2 टेन ए का वैल्यूज याद कीजिए, तो कॉस ए, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, एस ओ एल वी ई सॉल्व। कॉस ए इक्वल टू दिया गया है 4/5, तो ये होता है आप लोगों का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लंब निकालना है भाई। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमको निकालना है, बराबर आधार का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 4 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, 25 - 16 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, 25 में 16 जाएगा 9 आएगा बराबर लंब का वर्ग, लंब बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 इक्वल टू हो जाएगा 3। ये आपका लेंथ आप लोगों का 3 आ गया। चलिए यहाँ पर लंब कितना आ गया, लंब है आप लोगों का 3 है, और यहाँ पर कर्ण कितना है भाई, कर्ण कितना है 5 है, और आधार कितना है आप लोगों का 4 है। तब हमको ज्ञात करना है कॉट ए, तो कॉट ए माइनस है आप लोगों का, कॉट ए माइनस साइन ए बाय में ज्ञात करना है 2 tan A। तो चलिए वैल्यू को ज्ञात करते हैं, कॉट ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे ये हो जाएगा आपका लंब, आधार बटे लंब ये हो जाएगा 4/3 माइनस साइन ए का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका होता है कॉट ए का लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। चलिए बटे में हो जाएगा 2 × 10A लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 - 3 * 9 / 5 * 15 नीचे भी कितना हो जाएगा, 3 × 6 / 4 ऊपर चला जाएगा, 20 में 9 जाएगा कितना बचेगा 11/15 गुणित कितना बचेगा, ऊपर चला जाएगा 15/4 हो जाएगा, ये कटेगा 11/4, इस तरीके से ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यदि sec थीटा इक्वल टू 5/4 तो 10 θ - sin θ इतने का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं, sec थीटा इक्वल टू दिया गया है 5/3, इसको सॉल्व करते हैं। तो sec थीटा बराबर होता है आप लोगों का कितना होता है, लंब बटे कितना, क्या होता है आधार बटे कर्ण,
तो आधार बटे कर्ण बराबर होता है कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लंब ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ज्ञात करना है, आधार का वर्ग 3 का वर्ग है तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा लंब का वर्ग 25 ऋणी 9 बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग बराबर लंब बराबर कितना हो जाएगा 25 और में 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा बराबर 4 आ जाएगा। लंब 4 है और कर्ण आपका कितना है भाई 5 है और आधार आपका कितना है भाई 3 है। तो चलिए हम इस वैल्यूज को ज्ञात करते हैं। हमारे पास क्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए दिया गया है भाई टेन थीटा माइनस साइन थीटा 110 थीटा इंटू साइन थीटा इतना दिया गया है। चलिए बहुत ही राजधानी एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस की तरह जा रहा है, जितना मजा आएगा उतना ही बहुत मजा आएगा। चलिए तो टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है लंब बटे आधार होता है। साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, उसके बाद 1 इंटू हो जाएगा ये हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा भाई इंटू साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण हो जाएगा। चलिए लंब का मान है भाई 4 बटे कितना है भाई 4 बटे 3 ऋण 4 बटे कितना है भाई 5 है, बटे में कितना हो जाएगा 1 गुणित लंब कितना है भाई 4 है, 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा गुणित लंब कितना है भाई 4 है और 4 बटे कितना हो जाएगा 5। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 5 चौक 20 ऋण 4 थी 12 बटे 4 15 हो जाएगा 1 गुणित हो जाएगा 4 चौक 16 5 थी 15 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 20 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बटे 15 गुणित 15 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 15 15 से कट जाएगा 8 कमा 8 दूनी 16 1 बटे 2 ANH डॉट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन ए इक्वल टू 1/3 हो तो कॉस ए के या टेन ए प्लस ए के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो साइन ए हमारे पास सॉल्व में दिया गया है सॉल्व ए सो एल भी साइन ए इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा लंब बटे ये कितना हो जाएगा कर्ण, हमको ज्ञात करना है भाई कर्ण का वर्ग बराबर होता है भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर 3 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग 3 का वर्ग 9 ऋण 1 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 इसका वैल्यू होता है 2 अंडर रूट 2 ये आधार का वर्ग हो गया 2 अंडर रूट 2 और लंब का वैल्यू कितना हो गया 1 और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है भाई यहाँ पर देखिए भाई क्या ज्ञात करना है कॉस ए ज्ञात करना है, कॉस ए का सूत्र होता है भाई लंब सॉरी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर ज्ञात करना है कॉस ए के प्लस हो जाएगा टेन ए, कॉस ए के का सूत्र कितना होता है भाई लंब कर्ण बटे लंब होता है कर्ण बटे लंब प्लस ये होता है लंब बटे कितना होता है आधार होता है। कर्ण कितना है भाई कर्ण 3 है, लंब कितना है भाई 1 है, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है भाई 2 अंडर रूट 2 है भाई तो कितना हो जाएगा ये 3 2 6 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 अंडर रूट 2 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है हमारे पास भाई सेके है भाई सेके कॉस ए का उल्टा होता है भाई 3 2 अंडर रूट 2 ये रहेगा भाई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है तथा टेन ए इक्वल टू 1/√3 तो साइन ए कॉस बी साइन बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एस ओ एल वी ई डॉट सॉल्व मेंशन कीजिए भाई अगर त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है भाई ये ए है ये सी है ये बी है ये आपका समकोण है भाई तो टेन ए का वैल्यू दिया गया है भाई टेन ए का वैल्यू कितना दिया गया है भाई टेन ए इक्वल टू होता है भाई लंब बटे आधार होता है भाई लंब का मान है 1 आधार का मान है अंडर रूट 3 तो हमको किसका मान ज्ञात करना है भाई कर्ण का मान ज्ञात कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है लंब का वर्ग 1 का वर्ग धन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा तो यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा भाई तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू अगर देखा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा भाई और क्या हो जाएगा हमको ज्ञात करना है टेन ए ज्ञात किया तो ए का वैल्यू इतना हो जाएगा तो लंब हो जाएगा भाई आप लोगों का लंब 1 और ये कर्ण हो गया और ये हो जाएगा आपका आधार। चलिए अब ज्ञात करना है हमको साइन ए ज्ञात करते हैं लंब बटे कर्ण, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण 1/2 साइन ए, कॉस बी ज्ञात करते हैं कॉस बी के लिए बी पर बना दो भाई ये आपका बी हो जाएगा भाई तो कॉस बी के लिए आधार बटे कर्ण आधार हो जाएगा आपका बटे 1/2
चलिए फिर कौसे कौसे ज्ञात करते हैं भाई, कौसे के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार आधार हो जाएगा भाई, अंडर रूट थ्री आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा। और साइन बी ज्ञात करते हैं, साइन बी के लिए बी में रख दो भाई, तो लंब ये हो जाएगा भाई, तो लंब बटे क्या हो जाएगा भाई, कर्ण ये हो जाएगा। चलिए वैल्यूज को रख देते हैं भाई, तो वैल्यूज को रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 × √3/2 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 ANS डॉट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, हम लोग देखते हैं हमारे पास सॉल्व में दिया गया है SOLVE.SOLVE cot A इक्वल टू दिया गया है 3/4 लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब होता है। हमको क्या निकालना है भाई, कर्ण निकालना है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 25, का वर्गमूल होता है भाई 5, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग 5 हो जाएगा। और आधार कितना दिया है भाई 4, लंब कितना दिया है भाई, लंब दिया है 4 भाई, और आधार दिया है भाई 3, आधार का वैल्यू कितना दिया गया है 3। चलिए ये चीज़ हो गया, अब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, साइन ए प्लस कॉस ए बाय में साइन ए माइनस कॉस ए ज्ञात करना है। साइन ए तो लंब बटे क्या होता है कर्ण बराबर 4/5 धन आधार बटे कर्ण, 3/5 बटे 4/5 माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा 4 × 3/5 गुणित हो जाएगा 5/4 × 3 5 5 से कट जाएगा 4 × 3 7/1 बराबर हो जाएगा 7, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं SOLVE.SOLVE साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण होता है, आधार ज्ञात करना है भाई, तो कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 4 का वर्ग धन आधार का वर्ग ज्ञात करना है 5 का वर्ग 25 4 का वर्ग 16 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, इसका ना हो जाएगा आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 3, ये आधार हो गया भाई, लंबा हो गया 4 भाई, और कर्ण हो जाएगा भाई आपका 5 3 4 5। अब हमको ज्ञात करना है भाई 4 × tan θ, tan θ का सूत्र होता है लंब बटे आधार मतलब 4/3 माइनस 5 cos θ का वैल्यू होता है आपका आधार बटे कर्ण 3 × 5 बटे हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा का वैल्यू कितना होता है भाई 5/3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, 4 × 16 √3 और 5 5 से कट जाएगा 3/1 बटे में कितना हो जाएगा 5/3 धन ये 4 4 से कट जाएगा 3 3/1 तो आगे कितना हो जाएगा 16 × 16 √9/3 गुणित हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा और 3 3 9 + 5 = 5 3 3 से कट जाएगा 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 16 में 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6 7 8 9 7 7/9 और 5 = 14 7 × 7 = 14 1/2 ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय अलविदा।